विश्व सहित भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश के रीवा शहर के कलाकारों ने खाने वाली सुपारी से बना डाले सैकड़ों तरह की कलाकृतियां। ताजमहल से लेकर मंदिर तक, छड़ी से लेकर देवी देवताओं तक सुपारी से बने इन कलाकृतियों को जो भी देखता है वह इन कलाकृतियों को देखकर दंग रह जाता है। आज पूरे विश्व में रीवा की बनी सुपारी की कलाकृतियों का नाम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह में यहाँ की इस कला को न सिर्फ सराहा गया बल्कि पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आमतौर पर जिस सुपारी को पान के साथ खाया जाता है उसी सुपारी से रीवा में आकर्षक खिलौने बनाने की कला कई वर्षों से चली आ रही है। यह कला देश में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। वर्षों पहले रीवा में कुदेर परिवार ने सुपारी से कलाकृतियां बनाने का काम शुरू किया। पहले तो राजदरबार के लिए आकर्षक उपहार बनाते थे लेकिन बाद में इसने व्यापारिक रूप ले लिया। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रीवा आई थी। उस दौरान उन्हें सुपारी के खिलौने गिफ्ट किए गए थे जिससे वो काफी प्रभावित हुई थी। ये कला देश और विदेश में चर्चित हो गई। अकेले कुंदेर परिवार सुपारी से मंदिर मस्जिद से लेकर खिलौने और मूर्तियां बनाने में माहिर है। छोटी छोटी खराद की मशीनों पर सुपारी को तराशते देख विश्वास ही नहीं होता कि सुपारी से भी इस तरह की कलाकृतियां बन सकती हैं। इस संबंध में इस कला से जुड़े कलाकार ने बतलाया कि कई दशकों से हमारा परिवार इस कला से जुड़ा है। राजा महाराजाओं के जमाने से हम ये काम कर रहे हैं लेकिन इन कलाकारों को इस बात का मलाल है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है जिससे वो इस कला को और आगे तक ले जाए। सफेद शेर के बाद अगर रीवा की कोई पहचान है तो वो है सुपारी के खिलौने। इन कलाकृतियों को देश से लेकर विदेशों तक सराहा गया। कई बार राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी पुरस्कृत किया गया लेकिन ये कलाकृति सिर्फ एक परिवार तक ही सिमट कर रह गई है। शासन को चाहिए वो इस कला को काफी आगे तक ले जाए जिससे ये विलुप्त होने से बच सके। सुपारी से ही बनते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं। सुपारी ही हम लोग बाजार से छांट के लाते हैं। उसमें कई प्रकार की सुपारी आती है। अब तो सुपारी अब बहुत महंगी हो गई है। पहले की अपेक्षा तो 3 गुना ज़्यादा महंगा अब इसका कीमत हो गया है रॉ मटेरियल का। इसलिए अब ये कलाकृति भी बहुत महंगी हो गई है और कम होती जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया यह है कि बाजार से सुपारी लाने के बाद इस पर छिलाई और कटिंग करके और पेस्टिंग जोड़ जोड़ के हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं। गणेश जी, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गणेश, राम दरबार, हनुमान जी, विष्णु भगवान, शंकर जी इत्यादि। और भी काफ़ी है, लैंप है, छड़ी है, मंदिर, ताजमहल, छोटे जानवर, इस प्रकार से कई कलाकृतियाँ तैयार करते हैं। नहीं, ये रीवा बस में ही बनाया जाता है। ये हम लोग की क्या कहते हैं परंपरागत कला है। ये हम लोग के बाबा और पिताजी भी करते थे, आज हम लोग कर रहे हैं लेकिन आगे आने वाले समय में बच्चे नहीं करेंगे। क्या कारण है इसका? कारण बहुत सी उपेक्षाएँ हैं हमारी गवर्नमेंट से लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने कभी ना हम लोगों को सहयोग दिया, ना अनुदान दिया, ना कोऑपरेट किया कि इस कला को आगे प्रमोट किया जाए। हमको शासन प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिली। परिवार कैसे चलता है आपका? परिवार यही थोड़ा बहुत काम मिल जाता है कर लेते हैं, आने वाले समय में वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि महंगाई बहुत तेज है। ये विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने पहले भी एग्जीबिशंस किया है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उस समय रॉ मटेरियल सस्ता था तो सेलिंग हो जाती थी लेकिन अब मटेरियल इतना महंगा कि आइटम कॉस्टली बनता है तो अब सेलिंग बहुत कम हो गई है। अवार्ड मिला है हमको, स्टेट अवार्ड मिला है। अभिनंदन कुंदेर।